नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक हैं। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। हम्मत वाले वीर प्रभु के, वीर के ही गुण गाएं, हम वीर के ही गुण गाएं, सब मिल कर के संग चले, जिन धर्म हमें बतलाए, जिन धर्म हमें बतलाए। एक बड़ा परिवार हमारा, एक हमारा नारा, एक बने और नेक बने, ये सत्य अहिंसा प्यारा, जीवन सफल बनाने को हम सेवा को अपनाए, वीर के ही गुण गाए। हम्मत वाले वीर प्रभु के, वीर के ही गुण गाए, हाँ वीर के ही गुण गाए। सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक सेवा कार्य हमारे, छोड़े मांसाहार जगत और शाकाहार विचारे, वीर ने जो संदेश दिया है जग को चलो बताएं, हाँ जग को चलो बताएं। हम्मत वाले वीर प्रभु के, वीर के ही गुण गाए, हाँ वीर के ही गुण गाए। आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पुण्य बात्सल्यमय आरिका रत्न श्री दृढ़मती माता जी की, पुण्य आरिका श्री धारणामती माता जी की, संतों के दर्शन से तो पत्थर ही पिघल जाते हैं, संतों के दर्शन से तो पत्थर ही पिघल जाते हैं, गुरु के दर्शन से मुरझाए चेहरे खिल जाते हैं। भगवान का नाम तो बहुत सुना था हमने, भगवान का नाम तो हमने बहुत सुना था, पर बंधु गुरु के बेस में इसमें हमें भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। संत होकर के सम्यक ज्ञान के हिमालय हैं, ज्ञानी होकर भी चारित्र के हिमालय हैं, लोगों की दृष्टि में होंगे ये संत बंधुओं, पर मैं तो कहती हूँ कि ये चलते फिरते देवालय हैं, ये चलते फिरते देवालय हैं। गुरु का साथ हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता को आकार दिखाई देता है। होली दशहरा दिवाली तो आएंगे और चले जाएंगे, पर गुरु सानिध्य में हर दिन त्यौहार दिखाई देता है, हर दिन त्यौहार दिखाई देता है। ऐसे गुरुवर के चरणों में हमारा और आपका सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन। पुण्य आरिका रत्न श्री दृढ़मती माता जी के चरणों में दो पंक्तियाँ। जो मानवता की शान है, दृढ़ता की खान है, जिनके चरणों में झुकता सारा जहान है, ऐसी पूज्य दृढ़मती माता जी का हमारा और आपका सत सत प्रणाम है, सत सत प्रणाम है, सत सत प्रणाम है। बंधुओं, ये मानव जीवन हमें बड़ी दुर्लभता के साथ मिला है। हमारा ये जीवन उस पाषाण की तरह है कि जिस पर हम चाहें तो एक सुंदर महल या इमारत बना सकते हैं, और हम चाहें तो एक झोपड़ी बनाकर रह सकते हैं।
हमारा ये मानव जीवन एक कोरे कागज़ की तरह है कि जिसको हम चाहें तो एक सुंदर चित्र बना सकते हैं और हम चाहें तो सिर्फ धब्बों से भर सकते हैं। हमारा ये मानव जीवन एक मिट्टी की तरह है कि हम चाहें तो एक सुंदर कलश बना सकते हैं और नहीं तो एक शराब का सकोरा ही बना सकते हैं। हमारा ये मानव जीवन एक पाषाण की तरह है कि जिसको चाहें तो एक सुंदर सी भगवान की मूर्ति बना सकते हैं और नहीं तो एक सिलबट्टा का रूप देकर उसको चटनी के पीस पीस कर उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। बंधुओं, ये मानव जीवन हमें मिला है और जहाँ हम रहते हैं इस भारत देश में ये भी हमें अमूल्य धरोहर के रूप में मिली है, क्योंकि अन्य देशों में तो धर्म और संस्कृति रहती ही नहीं है, सिर्फ एक हमारा भारत देश ही ऐसा है जहाँ पर संस्कृति और धर्म सुरक्षित है। इसलिए बंधुओं, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संस्कृति, शिक्षा, संस्कार और संत विद्यमान रहते हैं। भारतीय संस्कृति में सर्वप्रथम खान पान और वेशभूषा का नंबर आता है। हमारे भारत में बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ हुई हैं जो कि हमारे भारत के पास वह इतिहास है कि जहाँ पर श्रवण कुमार जैसे सुपुत्र ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने अपने कंधों पर रखकर अपने माता पिता को तीर्थों की यात्रा कराई है, जीवन भर जिनकी सेवा की। हमारे भारत के पास वह गौ सेवा है, वह दया है कि जिसके लिए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी से अपनी आंखें भी निकलवा ली थी लेकिन गौ हत्या नहीं की थी। भारत के पास वह इतिहास है कि जहाँ पर ऐसे ऐसे दानवीर हुए हैं कि भामाशाह जैसे सपूत पृथ्वी माता के हैं कि जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर अपना निजी खजाना राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। भारत के पास वह शिक्षा है कि जिससे लोगों को देश के राष्ट्र के लिए स्वयं मरण का वरण कर दूसरों को जीवन दान दिया। भारत के पास वह मर्यादा है कि जहाँ आदर पुरुष रामचंद्र जी ने लोकोपवाद के लिए निर्दोष पत्नी सीता का भी त्याग कर दिया था। भारत के पास वह गौरव है कि जहाँ पिता के वचन की पूर्ति के लिए भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था और रामचंद्र जी ने अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए थे। ऐसी भारतीय संस्कृति है बंधुओं। इसमें 3 बातों के कारण हमारा भारत देश महान माना जाता है। सर्वप्रथम तो है संस्कृति, दूसरे नंबर पर आती है शिक्षा और संस्कार, और तीसरे नंबर पर संत और साधु। भारतीय संस्कृति चाहे वो जैन संस्कृति हो चाहे वैदिक हो, ये परंपरा सबसे पुरानी है। इसमें संस्कृति में खान पान और वेशभूषा को महत्व दिया जाता है। एक प्रकृति होती है, एक संस्कृति होती है और एक विकृति होती है। प्रकृति तो वह है कि जो हमें स्वभाव से प्राप्त हुई है प्रकृति के द्वारा, जैसे कि वृक्ष आदि जो फल फूल देते हैं, ये प्रकृति होती है। एक संस्कृति होती है और एक विकृति। विकृति में दूसरों को यानी पशुओं को मारकर जहाँ खाया जाता जाता वो विकृति होती है, लेकिन एक संस्कृति होती है कि जहाँ पर भोजन पान खान पीन पर ध्यान दिया जाता है कि कैसा चाहिए हमारा खान पान, शुद्ध सात्विक और स्वच्छ हमारा खान पान होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ता है। भोजन प्रत्येक प्राणी के लिए आवश्यक होता है, जरूरी होता है, लेकिन भोजन कब और कैसा करना चाहिए ये हमारे स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए जरूरी होता है। संयमित आहार, पानी की आवश्यकता स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। भोजन सात्विक, स्वच्छ और शुद्ध हो और मर्यादित हो। भोजन कब करना चाहिए तो आचार्यों ने कहा है कि भोजन दिन में ही करना चाहिए, सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना चाहिए। अगर रात्रि में भोजन करते हैं तो इससे बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। किसी ने कहा है कि अगर हमारे भोजन में हम रात्रि में भोजन करेंगे और कोई जीव जंतु
जैसे कि अगर मकड़ी आ जाए तो व्यक्ति को कोढ़ हो जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है, और अगर भोजन में जूं आ जाए तो जलोदर रोग उत्पन्न हो जाता है, और भोजन में अगर मक्खी आ जाए तो बमन हो जाता है। तो आचार्यों ने कहा है कि सूर्य अस्त हो जाने पर जैसे खिले कमल सिकुड़ जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य अस्त होने पर हमारा नाभि मंडल सिकुड़ जाता है, जठराग्नि मंद हो जाती है, इससे भोजन नाभि मंडल से बाहर ही रह जाता है और वह पचता नहीं है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। विज्ञान के अनुसार भी सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट और इन्फ्रारेड नाम की अदृश्य किरणें होती हैं, उनके प्रभाव से सूक्ष्म जीव दिन में छिप जाते हैं और नए जीवों की उत्पत्ति भी नहीं होती, इसलिए भोजन दिन में ही करना चाहिए। सभी धर्मों में रात्रि भोजन को निषेध किया गया है, महाभारत, प्रभास पुराण आदि अन्य पुराणों में भी इस रात्रि भोजन का निषेध किया गया है। भोजन सात्विक शुद्ध हो, क्योंकि कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो भी मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी, ये सूक्ति चरितार्थ होती है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासार महाराज जी भी कहते हैं कि खान पान बदला तो खानदान बदला। जब भोजन तामसिक होता है तो उसका प्रभाव चित्त और चरित्र पर दोनों पर पड़ता है और इससे अपराध प्रवृत्ति बढ़ती हैं, और इसलिए वर्तमान में अपराध प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारा भोजन दूषित हो गया है और अशुद्ध हो गया है, इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। आपने सुना होगा महाभारत में जब भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए थे, सूल बाणों की सैया पर उस समय उपदेश दे रहे थे, तब द्रौपदी ने कहा कि पितामह उस समय आप कहाँ गए थे जब मेरा चीर हरण हो रहा था, उस समय आपके उपदेश कहाँ थे। तब उन्होंने कहा था कि क्या करूँ बेटी, उस समय मैंने कौरवों का अन्न खाया था और जिसका अन्न खाया था वैसे मेरे विचार थे, लेकिन आज इन बाणों के द्वारा मेरा सारा रक्त निकल गया है, इसलिए मेरे विचार अच्छे हो गए हैं। तो खाने का प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क सभी पर पड़ता है। पानी भी छानकर पीना चाहिए, क्योंकि विज्ञान के अनुसार भी एक बूंद अनछने पानी में 3,336 जीव रहते हैं और जैन धर्म के अनुसार तो उसमें असंख्यात जीव रहते हैं, इसलिए पानी छान, क्योंकि पानी को अगर बिना छाने पीने पी लेते हैं तो कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, और हम देखते भी हैं कई बार ऐसा सुना गया है कि पानी पी लिया बिना छाना तो कहीं जहर फैल गया, कहीं कुछ हो गया। तो पानी को छान कर पीना चाहिए और अन्न को भी शुद्ध खाना चाहिए। अगर हमारा मन खराब हो जाता है तो हमारा आचरण भी खराब हो जाता है, क्योंकि मन के अनुसार ही तो आचरण होता है। इसलिए अगर हमारा आचरण बिगड़ गया तो हमारा सब कुछ चला जाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और अगर चारित्र आचरण चला गया तो सब कुछ चला गया। तो आचरण हमारा किस पर है, खान पीन पर डिपेंड होता है। हमारे भारत में शुद्ध सात्विक खान पान की व्यवस्था थी, आज भले ही लोग तामसिक भोजन को करने लगे हों लेकिन उसका प्रभाव भी, इसलिए अपराध प्रवृत्ति बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है और वैसे ही हमारे कार्य हो जाते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि तन हमारा रथ है, मन हमारा सारथी, और करेंगे अच्छा आचरण तो दुनिया उतारेगी आरती। एक बार की बात है, जब 1969 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुँचे और सभी जगह विदेशों की यात्रा करते हुए अमेरिका पहुँचते हैं, और जब अमेरिका से वापस आते हैं तो पत्रकार उनको घेर लेते हैं और पूछते हैं कि बताइए आपको हमारे देश में कैसा लगा और भारत कैसा लगा। तब उन्होंने जवाब दिया था कि
अभी तक तो मैं अपने भारत से प्यार करता था, लेकिन अब विदेशी संस्कृति को देखकर अब मैं भारत की पूजा करूंगा। तो इस प्रकार से खान पान का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, और ये फास्ट फूड आदि जो भी खाते हैं वे सब बीमारी की जड़ होते हैं। खान पान के साथ संस्कृति, हमारी वेशभूषा पर भी निर्भर रहती है। हमारी वेशभूषा कैसी होना चाहिए, आज व्यक्ति कैसी वेशभूषा पहन रहा है, फटी चीज, टाइट कपड़े, और ये पता नहीं किस किस फैशन में, फैशन मानते हैं जिसको, लेकिन देखा जाए तो हमारी संस्कृति में पहले धोती कुर्ता पुरुषों की पोशाक थी और महिलाओं की पोशाक थी साड़ी। आचार्य जी ने एक हाइको लिखा है और उन्होंने कहा है कि जापानी कविता होती है जिसको कहते हैं, उसमें लिखा है आचार्य जी ने, खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा साड़ी है, खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा साड़ी है। आज पश्चिमी होड़ में लग रहे हैं, पश्चिमी हवा में बह रहे हैं और ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि दरिद्रता की निशानी माना जाता था फटे कपड़े पहनना, और आज वो फैशन में शौक से फटे कपड़े पहनते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं, जिन कपड़ों से अगर टाइट कपड़े पहनते हैं तो उसमें हमारे रोम बंद हो जाते हैं, और जब रोम बंद हो जाते हैं तो तरह तरह की बीमारियाँ घेर लेती हैं, और जब टाइट जीन्स आदि पहनते हैं तो घुटने नहीं झुकते, और एक समय में ये घुटने खराब हो जाते हैं और घुटनों का दर्द बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार के कपड़े पहनने से, इस प्रकार की पोशाक पहनने से हमारे शरीर पर और मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारी संस्कृति भी विकृत हो जाती है। सिर्फ पोशाक ये हमें आचरण, हमारा आचरण अच्छा नहीं बनाती। हम सोचते हैं कि नई नई डिजाइन के, नई नई फैशन के कपड़े पहनेंगे तो हमारा आदर्श या आचरण अच्छा होगा। बंधु, इससे अच्छा नहीं होता। एक बार की बात है, जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे और वो वहाँ की सड़क पर निकले, एक दिन घूमने के लिए निकल रहे थे, और उनकी ड्रेस, उनकी पोशाक थी लंबा कुर्ता और धोती और पगड़ी। जब उनको देखकर एक वहाँ का विदेशी जोड़ा उनको देखकर हंसने लगे, और उन पत्नी अपने पति से कहती है कि देखो तो ये कोई जेंटलमैन नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि कोई गंवार मालूम पड़ता है। तो उसने धीरे से जब ये बात कही तो विवेकानंद जी ने उसकी बात को सुन लिया, और वो उनके पास जाकर बोले, बहन जी मुझे माफ़ कीजिए, आपके देश में किसी आदमी को टेलर जेंटलमैन बनाता है, मगर मैं जिस देश में रहता हूँ वहाँ पर तो जेंटलमैन कैरेक्टर बनाता है व्यक्ति को, उसका चारित्र उसको जेंटलमैन बनाता है। तो वेशभूषा से भी हमारे आदर्शों की पहचान होती है। और भारतीय संस्कृति में जितने पर्व, उत्सव, त्यौहार आदि मनाए जाते हैं जो कि आपसी प्रेम, वात्सल, एकता के प्रतीक हैं, वो विदेशों में कहाँ हैं। संस्कारों के कारण हमारा देश महान माना जाता है। हमारा परिवार, देश, राष्ट्र सभी, इसीलिए तो भारत में अपराध प्रवृत्ति से सुरक्षित है। एक बार यहाँ के संस्कार सुरक्षित हैं इसलिए देश महान है। एक बार ऐसा ही होता, एक प्रसंग आया था कि एक बार एक व्यक्ति के घर के बाहर तीन व्यक्ति खड़े थे और दरवाज़ा खटखटा रहे थे। दरवाज़ा नौकर ने खोला, देखा तो तीन व्यक्ति खड़े थे। नौकर ने पूछा, आप कौन हैं? एक ने कहा, मैं धन हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं कामयाबी हूँ। और तीसरे ने कहा, मैं संस्कार हूँ। तब अंदर जाकर नौकर ने बताया, और वहाँ भी तीन ही व्यक्ति थे, माँ, पिता और बेटा। तो नौकर ने पूछा कि बताओ सर्वप्रथम मैं किसको बुलाऊं? तब पिता ने कहा, सर्वप्रथम धन को बुलाया जाए। लेकिन माता बोली, नहीं, कामयाबी को पहले बुलाया जाए। तब पुत्र बोलता है कि नहीं, सर्वप्रथम संस्कार को बुलाया जाए। तब
संस्कार को सर्वप्रथम बुलाया जाता है और जैसे ही संस्कार आता है वैसे ही कामयाबी और धन भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। तो जहाँ पर संस्कार सुरक्षित हैं, सुशिक्षित हैं, वहाँ धन, लक्ष्मी, वैभव, कामयाबी अपने आप आ जाते हैं। संस्कार शिक्षा से ही प्राप्त होते हैं। पहले भारत में गुरुकुल की व्यवस्था थी, जहाँ पर चारित्र की, संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी। और आज पाश्चात्य संस्कृति की, उसी भाषा की, विदेशी भाषा की, अंग्रेजी भाषा का बोलबाला हो गया है। हमारी मातृभाषा हिंदी होना चाहिए, तो आज भाई हिंदी ना होकर अंग्रेजी को मातृभाषा बना लिया गया है, जबकि ये हमारी मातृभूमि और मातृभाषा जननी, ये तीनों माँ, मातृभूमि और मातृभाषा, ये तीनों हमें स्वर्ग से बढ़कर होती हैं। इन पर हमें गौरव होना चाहिए। हमने देखा है आज तक किसी को भी अंग्रेजी में सपना नहीं आया, सपना भी आता है तो हिंदी में ही सपना आता है। गांधी जी भी मातृभाषा को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने कहा था एक बार कि मैं यदि तानाशाह होता तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा देना बंद करवा देता, सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषा अपनाने के लिए मजबूर कर देता। रामचंद्र जी जब वनवास गए थे तो अयोध्या की धरती से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर गए थे। वे इस मिट्टी को प्रतिदिन प्रणाम करते थे। क्यों? क्योंकि मातृभाषा और मातृभूमि और माँ, ये तीनों हमारे लिए पूजनीय होती हैं। तो हमें अपने जीवन में अंग्रेजी को नहीं, मातृभाषा हिंदी को महत्व देना चाहिए। और हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज जी भी आज इसी प्रयास में हैं कि भारत से अंग्रेजी मातृभाषा ना होकर हमारी हिंदी मातृभाषा हो जाए। वो इसके लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ हिंदी का बहुत महत्व होता है। और भी कई लोगों ने इस पर विशेष महत्व दिया है। एक बार नेहरू जी ने भी कहा था कि भारत एक मंदिर है। उन्होंने कहा था कि भारत एक मंदिर है और यहाँ के रहने वाले प्रत्येक मानव उसके पुजारी हैं। तो इस प्रकार हमारे भारत में संस्कृति सुरक्षित रहे, शिक्षा और संस्कार सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। महाभारत, प्रभास पुराण आदि में भी रात्रि भोजन आदि का निषेध किया गया है। लोगों की धारणा रहती है कि खाओ पियो और मौज उड़ाओ, लेकिन सादा जीवन और उच्च विचार, इस प्रकार के भाव रहना चाहिए। आदर्श महान पुरुषों का जीवन इसी तरह का था, चाहे गांधी जी हो, चाहे लोकमान्य तिलक हो, चाहे विवेकानंद हो और चाहे रामचंद्र जी हो, सभी का जीवन इसी पर आधारित था। इसीलिए तो हमारे भारत का इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा गया। संस्कारों और शिक्षा के कारण हमारा भारत महान है। एक प्रसंग आता है कि भारत में महान संत और साधु होते हैं, इसी कारण भारत को महान कहा जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो ये महान संत और साधु के कारण ही हमारा देश सुरक्षित है। नहीं तो जो सुनामी लहरें विदेशों में आई तो हमारे यहाँ भी आ सकती थी, लेकिन बड़े बड़े संकट हमारे भारत में नहीं आते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साधु संत विराजमान रहते हैं। और संतों के अभाव में तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है, संसार नरकमय और जीवन अंधकारमय हो जाता है। संतों की उपस्थिति से धरती स्वर्गोपम को धारण करती है। जैन ग्रंथों में उल्लेख आता है कि जिस दिन से इस पृथ्वी से संतों का, चतुर्विध संघ का पूर्ण रूपेण अभाव हो जाएगा, उस दिन ये पृथ्वी नरक जैसी हो जाएगी। त्रिलोपन्नति में एक उल्लेख आया है कि पंचम काल के अंत में 3 वर्ष 3.5 माह शेष रहने पर सुबह मुनि के आहार में राजा द्वारा अंतराय होगा, वे वन चले जाएंगे और उसी दिन दोपहर में देव राजा को मार डालेंगे और उसी दिन शाम को अग्नि नष्ट हो जाएगी। तो जब तक संत रहते हैं तब तक ही वास्तव में धर्म रहता है और तभी तक ही इस संसार में अग्नि रहेगी। संत तो ऐसी
दिव्य आत्मा है जिनके चरण सानिध्य में पहुंचने पर अथाह संसार सागर का अंत दिखने लगता है। इसीलिए तो कहा है कि सूर्य और चांद तो आकाश में रहकर पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं, पर साधु संत और ऋषि मुनियों की महिमा तो देखो कि वह पृथ्वी पर रहकर भी प्राणी मात्र परमात्मा प्रकाश डालते हैं। संत भूले भटके गुमराह इंसानों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। जो जीवन से हताश और निराश हो जाते हैं, संत उन्हें जीने की प्रेरणा देते हैं, उन्हें जीने की कला सिखाते हैं। जो कमजोर हैं उनके अंदर शक्ति का संचार करते हैं। साधु संतों का समागम जीवन के लिए वरदान स्वरूप है। कहा है कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु कल्पदरु तथा पापम तापम च दैन्यम च पापम तापम च दैन्यम च हनिस संतो महाशया। गंगा पाप का, चंद्रमा ताप का और कल्पवृक्ष दीनता के अभिशाप का अपहरण करते हैं, किंतु संतों की संगति, उनका सानिध्य, उनका पाप ताप और अभिशाप यहाँ तक कि दुखों के संताप को विनाश कर देता है। भारत को जगत गुरु होने का जो महत्वपूर्ण गौरव प्राप्त है वह साधु संतों की बदौलत ही है। पाश्चात्य देश में तो संतों को सूली दी गई, विष का प्याला दिया गया। भारत में उन्हें ससम्मान सर्वोच्च सिंहासन पर बिठाया जाता है, उन्हें आदर दिया जाता है, गुरुओं की आरती उतारी जाती है, उनके पापों का श्रद्धा भक्ति के साथ प्रक्षालन किया जाता है। संत समुदाय हमारे राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ पूंजी हैं। संत सम्राट हमारे देश की धरोहर हैं। तभी तो किसी ने कहा है कि आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार, और संत न होते जगत में जल जाता संसार। वास्तव में ये जब तक वसुधा है तब तक सुरक्षित है कि तब तक जब तक इस वसुधा पर संत विद्यमान हैं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जैसे महान संत महान गुरु हैं, इसीलिए तो हमें उन पर गौरव है। और इसीलिए उन किसी ने वो पंक्तियाँ लिखी हैं कि संत न होते जगत में मानव पथ भूला होता, ये महल अटारी न होते माटी का टीला होता, गुरु चरण मिले मानो चारों धाम मिले, तुलसी को जैसे राम मिले मीरा को घनश्याम मिले। विदेशों में भी हमारे साधु संतों के लिए लोग लालायित रहते हैं, उनके दर्शन करने के लिए। हमारे आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी जब खजराह में चातुर्मास कर रहे थे, उस समय देखा कि इतनी कड़क धूप थी, लेकिन विदेशी लोग जो आते थे, पर्यटक थे, वो आते थे और आचार्य जी के दर्शन के लिए छाता लगा लगा के धूप में खड़े रहते थे 2 बजे से कि 3 बजे उनके दर्शन मिलेंगे। तो विदेशों में भी हमारे संतों की दर्शन के लिए लोग लत रहते हैं। और एक बार एक विदेशी ने आचार्य जी से चर्चा की और पूछा कि आचार्य जी आप बताइए आपका वैभव कहाँ है, हमने तो सुना था बहुत आपका नाम, लेकिन आपका वैभव कहाँ है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप खाली पाटा पर बैठे हुए हैं, एक पुस्तक है, पीछे का मंडल। तो आचार्य जी ने प्रति प्रश्न किया उनसे कि बताइए आपका वैभव कहाँ है, आपके पास क्या क्या है, आपकी धन संपत्ति क्या है, कहाँ है वो। तो उन्होंने कहा हम तो अभी यात्रा पर आए हैं, इसलिए सारी वैभव सारी संपत्ति हमारी हमारे घर विदेश में है, और यहाँ हम यात्रा पर निकली हुई, इसलिए कुछ भी हमारे साथ नहीं है। तो आचार्य जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा जैसे तुम यात्रा पर निकले हुए वैसे ही मैं भी मोक्ष मार्ग यात्रा कर रहा हूँ, मोक्ष मार्ग पर चल रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ, मेरा सच्चा वैभव तो सिद्धालय में है। भाई आचार्य जी के उत्तर को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। और हमने जब एक बार सुना, इतिहास में भी हमने पढ़ा कि यूनान सम्राट सिकंदर जब विश्व विजय के लिए निकलने वाला था, उसके पूर्व उसने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और बोला माँ मैं इस दौरान भारत भी जाऊँगा, सुना है कि वहाँ बहुमूल्य स्वर्ण और रत्नों के अटूट भंडारों का अंबार है, बोल माँ तुझे कौन सा आभूषण रत्न उपहार में ला कर दूँ। तब माँ ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा था कि बेटा मैं जड़ रत्नों को क्या करूंगी, वे सब तो निर्जीव होंगे और इस सजीव जीवन की पूर्ति निर्जीव रत्नों से नहीं हो सकती, तू तो एक जीवित रत्न ले आना। मैंने सुना है कि भारत में केवल स्वर्ण रत्नों का ही वह देश नहीं है, बल्कि वहाँ अनेक संत रत्न विद्यमान हैं,
बस एक दिगंबर संत मुझे लाकर दे देना उपहार में। तब उसके बाद जब भारत आया था तो सिकंदर यहाँ से कल्याण मुनि को लेके गया था यूनान। तो संतों की परंपरा विदेशों में भी लोग चाहते हैं उनको, और साधु वास्तव में होते ही ऐसे हैं, क्योंकि वो अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। जैसे सैनिक होता है वह देश के लिए ही अकेला करता है, लेकिन जो साधु होते हैं वो तो देश के लिए तो करते हैं और अपने लिए भी, अपने कल्याण के लिए भी सारा कार्य करते हैं। तभी तो आचिशी ने एक हाइकू जापानी कविता लिखी है कि साधु वृक्ष है, साधु वृक्ष है, छाया पल फल प्रदाता जो धूप खाता। इस प्रकार से साधुओं का बहुत महत्व होता है, उनका तप, उनका त्याग कितना रहता है। आचिशी को ही देख लीजिए, आचिशी का तप कितना है। कभी भी आहार में देख लो, एक सिर्फ घी को छोड़कर किसी रस को सेवन नहीं करते, और विश्राम के लिए भी सिर्फ एक पाटा लकड़ी का, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेते। उनकी त्याग तपस्या अद्वितीय है। जब उनके बारे में, साधना के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके तप के बारे में पढ़ते हैं, तो 36 घंटे एक एक आसन में खड़े होकर उन्होंने ध्यान किया है। जब उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी उसके बाद श्मशान में जाकर वो तपस्या करते थे। ऐसे तपस्वी हैं आचार्य गुरुर्षि विद्यासागर महाराज जी। उनके बारे में हम जितना भी कहें उतना ही कम है। वो तो हर व्यक्ति से शिक्षा लेते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। एक बार की बात है, जब पूज्य छमासार महाराज जी संग में थे, उस समय रात्रि का समय था, सर्दी बहुत अधिक थी, अंधेरा था कमरे में, क्योंकि लाइट का प्रयोग नहीं करते मुनि महाराज, तो अंधेरे में उसी दिन पूज्य छमासार महाराज जी आचार्य जी के कमरे में रात में रुके हुए थे। और उन्होंने जब सामायिक में खड़े होकर सामायिक की, तो उन्होंने एक नियम ले लिया था कि जब तक आचार्य जी खड़े होकर सामायिक करेंगे, क्योंकि आचार्य जी खड़े होकर सामायिक करते हैं ढाई ढाई घंटे की, तो उन्होंने नियम ले लिया कि आचार्य जी जब तक खड़े रहेंगे तब तक हम भी खड़े होकर ही सामायिक करेंगे। और क्या होता है, आचार्य जी भी उस दिन देखते हैं कि पूज्य छमासार महाराज जी खड़े होकर सामायिक कर रहे हैं, तो उन्होंने भी नियम ले लिया कि जब तक छमासागर जी खड़े रहेंगे तब तक मैं भी खड़े होकर ही सामायिक करूँगा, दोनों का नियम। और देखते देखते 11 बज गए, तभी तक कोई भी नहीं बैठा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अब क्या होता है, वैसे ही रात्रि का तो समय था, सर्दी का समय, अंधेरी रात होती है, और पूज्य छमासार महाराज जी ने समझा कि आचिशी बैठ गए, तो रात्रि में 11 के बाद पूज्य छमासार महाराज जी बैठ गए। जब आचिशी ने देखा उनको तो वो भी बैठ गए, और जब प्रातः चर्चा चलती है तो आचिशी पूछते हैं छमासार महाराज जी से, क्यों महाराज रात में तो बहुत रात तक सामय की, क्या नियम लिया था। तो वो बोले कि आचिशी मैंने नियम लिया था कि जब तक आप खड़े रहेंगे तब तक मैं भी खड़े होकर सामायिक करूँगा। तो आचिशी बोले मैंने भी यही नियम लिया था कि जब तक छमासागर जी खड़े रहेंगे मैं भी खड़ा रहूँगा, लेकिन तुम बैठ गए तो मैं भी बैठ गया। तो वो बोले आचिशी मैंने अंधेरे में देखा कि आप बैठ गए इसलिए मैं बैठ गए। तो हमारे आचिशी ऐसे कि एक छोटी सी बात से भी बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा लेते हैं, और वास्तव में उनका देखा जाए तो पशुओं के प्रति दया का भाव कितना है, गोधन के प्रति कितनी दया है, कि उन्होंने जगह जगह उन पशुओं की रक्षा के लिए, जीवन दान देने के लिए जगह जगह दयोदय के, उनके आशीर्वाद से और प्रेरणा से जगह जगह दयोदय का निर्माण हुआ है, गौशालाएँ बनी हैं। एक बार जब गौमठगिरी में थे आचिशी, चातुर्मास कर रहे थे, उस समय एक ट्रेन में पूरी बोगी पशुओं से भर के राजस्थान से आई थी। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर जगह नहीं हो तो मेरे इस प्रांगण में लाकर सभी पशुओं को खड़ा कर दो, इतनी दया उनके अंदर है, पशुओं के प्रति, मनुष्यों के प्रति दया है। तभी तो उन्होंने पूर्णायु भाग्योदय जैसे चिकित्सालयों का उनके आशीर्वाद से निर्माण हुआ है, बच्चों के संस्कार के लिए उनके अंदर इतनी प्रतिभाशाली के बच्चों की, 5-5 प्रतिभाशाली संस्कारों के लिए उन्होंने, उनके आशीर्वाद से चल रही हैं,
क्योंकि बच्चों के अंदर संस्कार हों। और पूर्व में जो गुरुकुल चलते थे उन्हीं के स्वरूप उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि प्रतिभा स्थली चलें, बच्चों को संस्कार मिलें। जैसे कि पूर्व में बच्चों को संस्कार मिलते थे, गुरुकुल में व्यवस्था रहती थी, वहाँ आचरण की शिक्षा, संस्कार की शिक्षा दी जाती थी और जो चारित्रवान होते थे उन्हीं के द्वारा। तो आज भी देख लीजिए प्रतिभा स्थली में जितने भी शिक्षिकाएँ हैं सभी ब्रह्मचारिणी, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर और अपने व्रतों का पालन कर रही हैं प्रतिमा लेकर। तो इस प्रकार से आचीसी का बहुत बड़ा सपना कि इंडिया हटाओ भारत लाओ और हमारी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं हिंदी होना चाहिए। उन्होंने आत्मकल्याण के लिए भी बड़े बड़े मंदिरों, सहस्कूट चैत्यालय, सर्वतोभद्र जैसे मंदिरों को उनके आशीर्वाद से निर्माण हुआ है और उनकी प्रेरणा से वो बड़े बड़े मंदिर कुंडलपुर का, अमरकंटक, नेमावर आदि में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ है। बेरोजगारी मिटाने के लिए हमारे गुरुवर ने पूर्ण मैत्री, शांति दुग्धारा, हथकरघा आदि को आशीर्वाद दिया है और उनकी आशीर्वाद से आज कितने ही बेरोजगारों को रोजगारी मिली है। तो इस प्रकार से हमारे आचीसी दया के मसीहा बनकर इस दुनिया में आए हैं। वास्तव में हमने देखा है कि जब जब दुनिया में अत्याचार होते हैं तो कोई ना कोई महान हस्ती का, महान पुरुष का जन्म होता है। इसलिए तो आचीसी का शायद हम सबके कल्याण के लिए ऐसे ऐसे पंचम काल में, जो कि दुखमा काल कहा जाता है, ऐसे काल में हमें उनका सानिध्य मिला है, उनका जन्म हुआ है। इसलिए कहते हैं कि ये विद्या के सागर हैं, जग का कल्याण करेंगे, हमको है विश्वास ये कुछ नव निर्माण करेंगे। जब जब पाप धरा पर होगा, रावण होंगे भू पर, तब तब आप धरा पर आकर प्रभु श्री राम बनेंगे। इस प्रकार से हमारे भारत को जो सोने की चिड़िया कहा गया, सर्वप्रथम संस्कृति के कारण, जिसमें खान पान और रहन सहन की बात बताई गई, दूसरी में शिक्षा और संस्कार का महत्व दिया गया और तीसरी बात थी संस्कार और शिक्षा के बारे में कहा गया और तीसरी हमारी भाषा। तो इस प्रकार से हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए और हमें संकल्प करना चाहिए कि जो हमारे गुरुओं की भावना है उनको हम करें, इन साधुओं के दर्शन से। मंगल कार्यों में इनको अच्छा माना जाता है। जब भी कोई अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो ये मांगलिक हुआ करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा पद्म पुराण में आया है कि जब रामचंद्र जी रावण के युद्ध करने के लिए चलते हैं तो उस समय उनके मुनि महाराज के दर्शन होते हैं। तब बड़े लोगों ने कहा था कि तुम्हारे लिए विजय जरूर मिलेगी क्योंकि मुनियों के दर्शन हुए हैं, ये मांगलिक होते हैं। महाभारत में भी जब कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए और अर्जुन तैयार नहीं होते, वो कहते हैं कि मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य से लड़ने के लिए जाऊं, नहीं मैं नहीं जा सकता। तब कृष्ण उनको समझाते हैं और इतने में दो रिद्धिधारी मुनि महाराज उन्हीं की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। तब कृष्ण ने कहा था अर्जुन तुम तैयार हो जाओ क्योंकि साधुओं का मुख जिसके तरफ होता है उसकी हमेशा विजय होती है, वह विजय को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से साधु संतों की ये वसुधा सिर्फ अचेतन रत्नों की नहीं, साधु संतों की भी ये खान है, चेतन रत्नों की भी ये खान है। हमारे यहाँ दिगंबर संत हैं और उन्हीं के कारण आज ये पृथ्वी सुरक्षित है। तब हमें संकल्प करना है कि अब ये संकल्प करें कि हम जो आचीसी का सपना है कि इंडिया नई भारत और अंग्रेजी नई हिंदी मातृभाषा होना है, तो ये संकल्प करें कि हम अपना हर चीज़ में हस्ताक्षर भी करें तो हिंदी में करेंगे क्योंकि संकल्प का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक बार ऐसा ही हुआ, गुरु और शिष्य में चर्चा चल रही थी, घूमने जा रहे थे गुरु और शिष्य। तब उन्होंने शिष्यों ने पूछा गुरुजी से, एक शिष्य पूछता है
बताइए गुरुजी, दुनिया में ये चट्टान दिख रही है बड़ी, इससे भी कोई बड़ी चीज़ है क्या, या इससे कोई कठोर चीज़ है क्या? तब गुरुजी बोलते, उसके पहले ही एक से दूसरा शिष्य बोला कि हाँ, चट्टान से भी कठोर अगर कोई है तो लोहा, क्योंकि लोहा से चट्टान काटी जाती है। तब बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि तीसरा शिष्य बोला कि नहीं नहीं, इस लोहे से भी सामर्थ्यशाली अगर कोई है तो अग्नि, क्योंकि अग्नि भी जलाकर लोहा को नर्म कर देती या मोड़ देती है। तब तक तीसरे शिष्य की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि चौथा शिष्य बोला कि नहीं, अग्नि से भी अगर ज़्यादा सामर्थ्यशाली है तो पानी, क्योंकि अग्नि को भी पानी अग्नि को भी बुझा देता है, शांत कर देता है। तब तक अगला शिष्य बोला कि नहीं नहीं, हवा से भी अगर सामर्थ्यशाली शक्तिशाली कोई है, पानी से भी शक्तिशाली कोई है तो हवा है, क्यों, क्योंकि हवा पानी को उड़ा ले जाती है। तब गुरुजी सभी की बात सुन रहे थे, सभी शिष्यों की। जब सब शिष्यों की बात पूरी हुई तो गुरुजी बोले कि नहीं शिष्यों, अगर सबसे सामर्थ्यशाली और शक्तिशाली अगर दुनिया में कोई चीज़ है तो संकल्प, क्योंकि संकल्प पाषाण को भी तोड़ सकता है, संकल्प लोहे को भी गला सकता है, संकल्प आग को भी बुझा सकता है, और संकल्प जल को भी उड़ा सकता है। इस प्रकार अगर संकल्प दृढ़ होता है तो व्यक्ति को कुछ भी कार्य करने में असंभव सा नहीं लगेगा, असंभव कार्य भी वह संभव कर सकता है, क्योंकि अगर कार्य को कठिन लगता है और हमें असंभव सा लगता है और हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है, संकल्प शक्ति होती है, तो उस कार्य में भी हम कभी हार नहीं मान सकते, कभी हम उससे हार नहीं सकते। जैसे कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कभी कि अब्राहम लिंकन के बारे में आता है कि जब वो 21 वर्ष के थे तो वार्ड मेंबर के लिए खड़े हुए लेकिन हार गए। जब वो 22 वर्ष के हुए तो उनकी विवाह हुआ और विवाह भी असफल रहा। जब 24 वर्ष के हुए तो व्यापार किया, व्यापार में भी असफलता प्राप्त हुई। जब वो 27 वर्ष के हुए तो उनकी पत्नी ने तलाक दे दिया, फिर भी वो हार नहीं माने। जब 32 वर्ष के हुए तो सांसद पद के लिए खड़े हुए लेकिन हार गए। जब 37 वर्ष के हुए तो कांग्रेस सीनेट के लिए खड़े हुए, तब भी हार गए। और जब 42 वर्ष में हुए तब 42 वर्ष में उन्होंने पुनः सांसद पद के लिए चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव में हार गए। 47 वर्ष में की आयु में जब उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा तो उसमें भी हार गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और 51 वर्ष की आयु में जब राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए तो वो राष्ट्रपति बने। तो कहा कि हिम्मत मत हारो, सिरे से नए सिरे से यात्रा करो, कामयाबी जरूर मिलेगी। हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्तियाँ कविता की कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वो पंक्तियाँ बड़ी ही मार्मिक हैं। और संकल्प शक्ति हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज में तो इतनी कूट कूट कर भरी हुई है कि जब वो जो संकल्प कर लेते हैं उसको पूरा करते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको ना प्रकृति और ना ही कोई नदी आदि उनको रोक सकते हैं। एक बार की बात है, आचार्य श्री बीना बारा के चातुर्मास के लिए रहली से बिहार कर रहे थे। रहली में आहारचर्या संपन्न हुई और सामायिक के बाद जैसे ही आचार्य श्री उठे और पानी बहुत जोर से बरसने लगा, बहुत तेज वर्षा होने लगी और इतना पानी बरसा कि जो बीच में नदी पड़ती थी, नदी के पुल के ऊपर से कंधों तक पानी भर गया। लोगों को चिंता हुई कि आचार्य श्री अगर विहार करेंगे तो कैसे निकलेंगे। लोग आ गए सभी समाज के और आचार्य श्री से प्रार्थना की, आचार्य श्री आप विहार ना करें, क्योंकि नदी के ऊपर बहुत पानी है, वहाँ जा नहीं सकते, कैसे निकलेंगे। आचार्य श्री ने कुछ जवाब नहीं दिया और जैसे ही सामयिक हुई आवर्त करके उठे और विहार कर दिया। लोग चरणों में गिर गए
आशीष जी आप मान जाइए, पानी बहुत अधिक है, बाढ़ आ रही है, हम आपको नहीं जाने देंगे। लेकिन आशीष जी तो अपने संकल्प के पक्के हैं, बढ़ते गए वो आगे और बढ़ते गए। और जैसे ही जिस नदी के ऊपर से पुल पर से निकलना थी उस नदी के पास पहुँचे तो वास्तव में नदी के पुल के ऊपर कंधों तक का पानी था। आशीष जी सभी ने कहा आशीष जी रुक जाइए, लेकिन आशीष जी खड़े हुए, एक कायसर किया, क्योंकि जब भी साधु जल से निकलते हैं तो एक कायसर करके निकलते हैं और उस पार पहुंचते हैं तो एक कायसर करते हैं। तो आशीष जी ने एक कायसर किया और पिच्छी को उठा के, और जैसे ही सामने नदी को देखा तो आश्चर्य हुआ कि नदी का जो पुल के ऊपर पानी जा रहा था वो पुल से नीचे हो गया। आशीष जी संग सहित उस पुल पर से निकले और जितने लोग उनके साथ थे वो भी निकल गए, लेकिन जो शेष लोग रह गए थे, तब तक आशीष जी उस पार पहुंच चुके थे और जो शेष लोग इस पार थे, जैसे ही आशीष जी उस पार पहुंचे, पानी का पुर फिर से वैसा का ही वैसा हो गया, पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। तभी लोगों ने कहा कि आशीष जी के संकल्प के सामने तो हम लोग तो क्या, ये नदी बड़े बड़े समुद्र भी उनके आगे झुक जाते हैं। तभी तो देखो नदी का अपना प्रभाव कि पुल से नीचे पानी हो गया। तभी तो एक कवि की पंक्तियाँ हैं कि सागर से गहरे हिमालय से ऊंचे, इन्हें कौन बांधे इन्हें कौन रोके, ये चलती हवाओं के हैं झोंके, इन्हें कौन बांधे इन्हें कौन रोके। तो हमें अपने जीवन में संस्कृति और शिक्षा को महत्व देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने संस्कारों को सुरक्षित रखेंगे तो भावी संतान जो कि समाज या राष्ट्र के लिए रहेगी वह भी अपना काम कर सकेगी और उसका प्रभाव भी पड़ सकेगा। हम जैसा करते हैं सामने वाला को वैसा ही करने लग जाता है। हमारे अंदर जैसे विचार होते हैं वैसे ही सामने वालों के विचार हो जाते हैं, क्योंकि भावना हमें मार भी सकती है और जीवित भी कर सकती है। मित्रता के भाव का सदा चिंतन करने से शत्रु भी मित्र हो जाते हैं और अमृत का सतत चिंतन करने से विष भी अमृत बन जाता है। काम से ज़्यादा काम के पीछे रही हुई भावना का महत्व होता है। हम क्या करते हैं वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वरन हम क्या सोचते हैं वह बड़ा महत्वपूर्ण है। जो काम हृदय की शुद्धतम एवं उत्कृष्टतम भावनाओं से किया जाता है वह देखने में छोटा भले हो परंतु उसका फल तात्विक और सात्विक होता है। तभी तो संत तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब सीता स्वयंवर में रामचंद्र जी गए सीता के स्वयंवर में, तब वहाँ के लोगों ने उन्हें विभिन्न रूपों में देखा। तब गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि जिसकी भावना जैसी होती है वह भगवान की मूर्ति को उसी रूप में तो देखता है। एक प्रसंग था, एक बार हिंद के बादशाह के मन में विचार आया कि हिंदुस्तान के बादशाह की उम्र कम क्यों होती है और चीन के बादशाह दीर्घजीवी क्यों होते हैं, इसका राज जानना चाहिए। तो एक दिन उसने चीन के बादशाह को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि हमारा जीवन बहुत छोटा होता है किंतु आपके देश के बादशाह दीर्घजीवी होते हैं, इसका कारण क्या है, कृपया आप मुझे सूचित करें। और ये पत्र लेकर एक दूत को भेज दिया जाता है, वह एक पेटी में रख देते हैं उस पत्र को और दूत के हाथ में देकर कहते हैं कि जाओ हिंद के बादशाह को ये दे देना और उनसे इसका जवाब लेकर आना। वह पत्र लेकर राजमंत्री 500 नौजवानों के साथ पहुंच जाता है और पहुंच जाता है चीन के बादशाह के पास। तब बादशाह देखता है राजमंत्री 500 जवानों के साथ ही साथ आया है, तो वह उनका सम्मान करता है, स्वागत करता है और उनको अलग से एक महल में
रुकवा दिया जाता है। उन्होंने कहा, महाराज, हमारे महाराज ने इस पत्र का जवाब मांगा है, कृपया आप इसका जवाब दे दीजिए। तब चीन के बादशाह ने कहा कि दे दिया जाएगा, पत्र का जवाब दे दिया जाएगा। तब उन्होंने कहा, अगर आप जवाब नहीं देंगे और हम बिना जवाब दिए चले गए तो महाराज हमको प्राण दंड देंगे। तब बादशाह ने कहा, धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य का फल मीठा होता है, तुम्हें इस पत्र का जवाब अवश्य मिलेगा। तब 5-6 दिन हो जाते हैं और यहाँ तक कि 6वां दिन भी निकल जाता है, 7वां दिन आ जाता है। फिर से वह मंत्री बादशाह के पास जाता है और बोलता है, महाराज, हमें पत्र का जवाब चाहिए। बादशाह बोला, मंत्री, अभी तुम आए हो, कुछ दिन और ठहरो, यहाँ की संस्कृति को देखो, तुम्हें उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। तब मंत्री एक दिन और रुका और उसके अगले दिन फिर बादशाह के पास पहुँचता है और फिर कहता है कि महाराज, हमें प्रश्न का जवाब चाहिए, हमें अपने देश वापस जाना है। पर महाराज कुछ जवाब नहीं देते। अगले दिन फिर पहुँचता है कि महाराज, हमें इस पत्र का जवाब चाहिए, हमें यहाँ आए बहुत दिन हो गए हैं, हमने यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है, अब हमें आप जवाब दे दीजिए। तब बादशाह ने कहा, मंत्री, जिस आवास में तुम ठहरे हो उसके सामने एक बट वृक्ष है और वह बट वृक्ष जब जलकर खाक हो जाएगा तब तुम्हें मैं इस पत्र का जवाब दूंगा। राजमंत्री बड़े असमंजस में पड़ गया कि ये 500 वर्ष पुराना बट वृक्ष इतना घना, इतना बड़ा कब जलेगा और कब हम अपने घर जाएंगे। निराश होकर वह अपने 500 साथियों से बोला कि ये बट वृक्ष जब जल जाएगा तब बादशाह का उत्तर मिलेगा, अब तो घर जाने की उम्मीद भी नहीं है, अब कोई आशा भी नहीं रही है, क्योंकि ये बट वृक्ष जलने वाला नहीं है और हम भी अब घर नहीं जा सकते, लगता है कि हमारी ज़िंदगी यहीं पूरी हो जाएगी। वे सारे के सारे उदास रहने लगे, सोते जागते उठते बैठते सदा वे इसी विचार में डूबे रहते थे कि ये बट वृक्ष कब जले और कब हम अपने घर वापस जाएं। बार बार वो ही चिंतन करते रहते थे और विचारों का प्रभाव बहुत पड़ता है, क्योंकि एक संप्रेषण होता है, संप्रेषण का मतलब यही होता है कि कई किलोमीटर दूर भी यदि व्यक्ति बैठा है और उसके बारे में सोचता है तो उनको संप्रेषण हो जाता है। भावों की ये महिमा होती है, क्योंकि भले ही व्यक्ति अपने शरीर से कहीं ना जा सके लेकिन भावों के द्वारा तो वो एक समय में कहीं का कहीं पहुँच जाता है। और भाव लगते भी हैं, ऐसा हमने देखा भी है कि अच्छे भाव और किसी के प्रति हमारे विचार अच्छे हैं और सामने वाले के अच्छे हैं तो उसका प्रभाव अलग रहता है, और अगर सामने वाले के गलत प्रभाव हैं तो शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ जाता है। इसीलिए तो ये आजकल जो हीलिंग आदि होती हैं इसी का तो ये प्रभाव है। हीलिंग के माध्यम से क्या होता है, अच्छे भावों के द्वारा रोगियों को चिकित्सा दी जाती है और ये भावों की चिकित्सा कहलाती है। तो ऐसे ही वो राजमंत्री और वो 500 व्यक्ति दिन रात उठते बैठते सोते खाते पीते बस यही विचार करते, ये बट वृक्ष कब जले और कब हम अपने घर को वापस जाएं। हमें अपने घर की याद आने लगी, हमारे बच्चों की याद आने लगी है, और ये सोचा करते थे और क्या होता है, उनके भावों का ये प्रभाव पड़ा कि वो बट वृक्ष उनकी इन भावनाओं के कारण कुछ महीनों में जलकर ही राख हो गया। राजमंत्री और 500 जो साथी थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा सघन पुराना बट वृक्ष इतनी जल्दी जलकर खाक कैसे हो गया। पर उनको खुशी भी थी कि अब हम अपने घर वापस जा सकेंगे, हम अपने परिवार से मिल सकेंगे। तब मंत्री ने बादशाह से कहा, राजन, आपके कहे अनुसार ये बट वृक्ष जलकर खाक हो गया है, अब आप हमें अपना जवाब दे दीजिए, जो हमारे महाराज ने पत्र लिखा है उस पत्र का जवाब दे दीजिए।
तब बादशाह ने कहा, मंत्री तुम्हारे पत्र का जवाब तुम्हें मिल गया है, फिर मैं क्या लिखूं? तब मंत्री ने कहा, पत्र का जवाब आपने तो कुछ लिखा नहीं, कुछ पत्र दिया नहीं, हमारे महाराज ने पत्र लिखकर आपको पेटी में बंद करके और आपको दिया था, लेकिन आपने तो कुछ लिख के भी नहीं दिया, तो हम महाराज को क्या जवाब देंगे? और आप कह रहे हैं कि आपको जवाब मिल गया है, तो हम तो कुछ समझे नहीं क्या जवाब मिला। तब बादशाह ने उस मंत्री को समझाते हुए कहा, मंत्रीवर जिस प्रकार तुमने 500 वर्ष पुराने वट वृक्ष को भी यह कब जलेगा इस प्रकार के अनिष्ट भावों को कुछ महीनों की अल्प अवधि में जलाकर खाक कर दिया है, ये वृक्ष कब जलेगा इस प्रकार के अनिष्ट भावों से कुछ महीनों की अल्प अवधि में इतने बड़े वट वृक्ष को जलाकर खाक कर दिया। तो मैंने ये तुम्हारे प्रश्न का जवाब है, उसी प्रकार मुझे लगता है कि आपके हिंद देश के बादशाहों के प्रति प्रजा के विचार अच्छे नहीं रहते होंगे, क्योंकि प्रजा से वो प्रेम नहीं करते हैं, प्रजा के सुख दुख का ध्यान नहीं देते होंगे, अतः प्रजा भी उन्हें बुरी नज़र से देखती होगी। यही कारण है कि हिंद के बादशाह अल्पजीवी होते हैं और मेरी प्राणायु और मुझे चाहती है, मेरी प्रजा मुझे चाहती है, इसलिए मेरे प्राण या मेरी आयु या यहाँ के राजाओं की आयु अधिक होती है। प्रेम और सद्भावना की नज़रों से देखते हैं तो हमारे विचार और उनके विचार, सामने वाले के विचार भी वैसे ही रहते हैं, इसीलिए यहाँ के दीर्घायु होते हैं राजा और हिंद देश के राजा अल्पायु होते हैं। बादशाह को इस प्रश्न का जवाब दे देना। तब राजमंत्री आश्चर्य में पड़ जाता है और वहाँ से चल देता है अपने हिंद देश के राजा के पास। राजमंत्री हिंद में आकर अपने बादशाह को सारी बात बताता है और वहाँ पर जो जो घटना घटित हुई थी उन विचारों से अवगत कराता है। उन सब बातों को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और विचारों में, क्योंकि विचारों में अपरिमित शक्ति होती है, जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही उसको फल मिलता है। यहाँ रहेंगे हम, किसी को परेशान नहीं करेंगे। और उन्होंने नियम लिया और बंदूक के सामने रख दी और कह दिया कि आज से हम अहिंसा धर्म का पालन करेंगे, हिंसा का त्याग करते हैं। तो ऐसी शांत मूर्ति को देखकर आज इसी को, जिनकी त्याग तपस्या के आगे बड़े बड़े लोग भी अपना त्याग कर देते हैं, तो वो डाकू ने, और फिर एक घटना हुई ऐसी ही कि राजस्थान से एक गाड़ी आ रही थी, रास्ता भटक गई और जंगलों में पहुंची, वहां डाकुओं का इलाका, सभी डाकू थे, उन्होंने घेर लिया गाड़ी को और महिलाएं जेवर पहने हुए थी, सभी रोने लगी। तब उन्होंने पूछा कि आप कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम आचार्य विद्यासागर महाराज जी के दर्शन करने के लिए राजस्थान से आए हैं। जैसे ही उन्होंने आचार्य जी का नाम सुना, उन्होंने उनको छोड़ दिया, और छोड़ा ही नहीं, जो रास्ता भटक गए थे उनको आचार्य जी के पास तक पहुंचा दिया। तो ये होते हैं भावों का ये खेल होता है, क्योंकि सामने वालों के भाव से हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। एक बार उसी समय की बात है, आचिशी सिद्ध सलाह पर बैठे हुए थे नैनागिर में। एक हिरण भागता हुआ आया और आचिशी के पीछे छिप गया। शिकारी भी वहाँ का भागता भागता आया, वो केरवना का था, और जैसे ही उसने देखा आचिशी को, और वह आचिशी के चरणों में भाई गिर गया, अपनी जो बंदूक लिए थे उसको भी समर्पित कर दिया और कहा कि आज से मैं शिकार का त्याग करता हूँ। तो जैसे सामने वाले के भाव होते हैं वैसे ही हमारे भाव हो जाते हैं। अहिंसा या त्यागी या शांति मूर्ति को देखकर हमारे भी अंदर उस प्रकार के भाव हो जाते हैं, और हमें अपने अंदर ऐसी भावना रखें, सब जीवों के प्रति दया का मैत्री का भाव रहे। इसी भावना के साथ दो पंक्तियाँ बोले, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।